हेलो गाइस, दिस इज अमरेश ब्लॉग। तो मैं हूँ अमरेश पैकरा, चैनल पे स्वागत है आपका। तो मैं आज आपको ठिंटिनी पत्थर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बैक कैमरा शुरू करते हैं और मिलते हैं ठिंटिनी पत्थर में जाके। तब तक अपना भाई शूट करेगा, महेंद्र भाई। तो चलिए मिलते हैं आगे। है अपना दर्शनीय स्थल ठिंटिनी पत्थर। तो यहाँ मार्क दिया हुआ है, इधर जाना है। तो यहाँ पर मंदिर वंदिर है पूरा। तो चलिए आगे चलते हैं हमें। तब तक अपना महेंद्र भाई बनाते रहेगा वीडियो। फिर गाइस सब चलते हैं, आपको सीधा ठिंटिनी पत्थर पर मिलते हैं। यही अगल बगल में वो गाइस अपन आ चुके हैं ठिंटिनी पत्थर पे। ये वाला आगे जो पेंट किया हुआ है वो वाला है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मंदिर मंदिर है पूरा। यहाँ पे ठिंटिनी पत्थर हो गया, बजरंगबली का मंदिर भी यहाँ पे। जय बजरंगबली। तो चलते हैं अपना ठिंटिनी पत्थर दिखाते हैं। गाइस तो ये अपना ठिंटिनी पत्थर। तो आगे जाके आपको ठिंटिनी पत्थर का साउंड सुनाते हैं। तो मैं ठोक के देखता हूँ ना, तू रुको माइक लगाओ फटाफट, तब ना होगा। हां ले पकड़, सुनाते हैं ठोक के। तो थोड़ा सा दूर रहना ना। तो गाइस मैं सुनाता हूँ ठिंटिनी पत्थर ठोक के, ठीक है? बज रहा है। हाँ बज रहा है, बिल्कुल यही बज रहा है पूरा। क्या बोलते हैं इसे, डेक्ची बजता है बस वही। तो गाइस ये अपना अलग अलग साउंड है, देख सकते हो पूरा यहाँ पे गड्ढा गड्ढा हो चुका है। वहाँ हर जगह बजाने पे अलग अलग साउंड आता है, ठीक है गाइस? इधर भी बजता है, यही बजता है, मतलब इसमें कुछ अंदर में होगा। हाँ और इसमें बजा के देखते हैं। वाओ क्या सीन है भाई, मजा ही आ गया इसको बजा। ये गाइस थोड़ा सा इसका साउंड अलग है, साउंड अलग है, मतलब ये नॉर्मल पत्थर है, ये नॉर्मल पत्थर है और ये है बज रहा है इनका साउंड। सुनो यहां यहां ठोकी मार के खड़ा कर कौन सा, इधर आओ भाई। हां थोड़ा सीधा यहाँ पे मटका का आवाज आएगा, देख सकते हो गाइस यही मटका का आवाज है। मटका का आवाज है भाई, एकदम प्योर मटका का आवाज, प्योर मटका, ठीक है? जैसे मटका को ठोक के देखोगे पूरा मटका का आवाज आएगा, ठीक है? इसमें और यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो पूरा आवाज अलग ही साउंड है भाई। यहाँ पे भी मतलब स्टील का आवाज आ रहा है इसमें पूरा, ठीक है? पूरा जितना भी ठोक ठोक के गए ना शायद तक वो हो गया, ठोकने के बाद गड्ढा हो चुका है, फिस गया पूरा। आज कहीं ठोका रहे पूरा, मतलब जब से ये चालू हुआ है तब से ये ठोकाया जा रहा है। और इधर भी दिखाएं ना, तो इसमें भी मटका का आवाज यार की। हाँ मटका का आवाज इसमें भी है, ये नो वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। उस ठोक ठोक के पूरा गड्ढा हो गया, असली आवाज ये है अपना, ठीक है? बस इधर भी आते हैं अपने बाबा जी बैठे हैं। बाबा जी आपका नाम क्या है? राम प्रसाद सोनवानी। राम प्रसाद सोनवानी है बाबा जी का नाम, और यहीं पे बैठे रहते हैं? यहीं रहता हूँ गाँव में, यहीं पे रहते हैं। अपना मंदिर वंदिर है पूरा, पूजा उजा यहीं का अंदर में है। तो बाबा जी आप बता सकते हैं अपना यहाँ कौन कौन सा मंदिर है, कौन कौन सा बजरंग बली का था? अच्छा ये माई का है, बीच वाला गणेश जी का, शुरुआत में घुसे थे शिव जी का, शिव जी का मंदिर है। तो आप हमेशा यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ बेटा। अच्छा मतलब हमेशा जब से शुरू हुआ है तब? हाँ जब से शुरू हुआ, जब से मुझे को 15-16 साल यहीं का रखवाली, मतलब रखवाली ले लिया। हाँ मैं यहाँ का साफ सफाई करना, मतलब जो भी मैं नहाता हूँ तो एक बाल्टी में पानी उसको नहलाता हूँ, पत्थर चढ़ाता हूँ, बस ज्यादा उतना ही करता हूँ मैं। जो आने वाला जो भी 150 दिन देता है बेटा, बस वही मेरा कथा था बस बेटा। मतलब यही इनका देख रेख करते हैं, तो भाई इनको सपोर्ट करिए, ठीक है? मतलब आते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ देख के जाइए, चाहे खाने पीने का सामान, चाहे जो भी। अगर आप इनको नहीं दे सकते तो ये भगवान का मंदिर है, आप यहाँ चढ़ा सकते, पूजा उजा कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा मंदिर लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं फिर जितना भी है, मिलेगा तभी तो कोई मंदिर में जाए तो मैं कुछ चढ़ाऊंगा। नहीं नहीं वही चीज है, वही चीज है, पूरा अंदर ऐसे लग रहा है कि ये पूरा क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए, डेक्ची बोलते हैं। हाँ डेक्ची वही अपना देहाती भाषा, और क्या बोलते हैं उसको, अरे जो भी मतलब स्टील का आवाज आ रहा है, स्टील का
मैन पटना इधर है और मटका का जो नीचे आता है यहाँ धूप का धूप को देखिए यहाँ पे देखते हैं इधर पोलो है इसमें खाई है देख सकते हैं मतलब बगल में गैप है गैप पूरा मतलब बैठ के यहाँ पे देखा नहीं इधर इसको उठाने के लिए कितने कोशिश की थी बेटा नहीं उठ पाया नहीं उठ पाया अगर उठ जाता तो चल जाता अंग्रेजों के पास मेरे लोग ले जाते ना उठा बाबा जी से एक बार पूछ लेते हैं इनको चिपका हुआ नहीं है ना नहीं बेटा नहीं चिपका है बस तीन जहाँ मारा है नहीं चिपका है देख सकते हो पूरा तीन जहाँ मारा है कमर पतली भूंजा तो दीजिए मैं दिखाता हूँ जीवन है बेटा ये ऐसा नहीं है तो ये देख सकते हो कि नहीं चिपका हुआ है यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा खाली ये पूरा ये नहीं चिपका हुआ है कभी भी आओगे तो यहाँ पे देख लेना टिंटिनी पत्थर में दोनों साइड चिपका हुआ नहीं कोई भी उठा नहीं सकता मतलब इसी चीज में नहीं उठा ना उड़ जाता तो ये यहाँ पे नहीं रहता नहीं जाता चल जाता मतलब इसमें कुछ शक्ति है कुछ पावर है मेरे को लगता है नहीं उठा ठीक है बाबा जी का कहना है सात हाथी में भी नहीं उठा बाबा जी का कहना है दो ट्रैक्टर में नहीं खिंचाया बोल रहा हाथी भी नहीं उठा है कि नहीं दो ट्रैक्टर इसको नहीं सका फिर सात हाथी नहीं जेसीबी इसको नहीं सका तो कहा है कि ये तो भू कर रखाया चीज है जैसे हम मनुष्य ताकत का जैसे मिला है वो ताकत दे रहे हैं इसको तभी तो नहीं उठ रहा है तो जैसे भी तो बड़े बड़े जंगल बड़े बड़े पहाड़ पत्थर तोड़ देता है इसको क्यों नहीं सका लेकिन प्रभु का माया है इसीलिए बेटा इसी जगह रहता हूँ दाऊ में तो हम लोग के पास इतना ही है कोई बात नहीं बेटा मतलब जो है उतना ही है उतना ही है हम लोग के पास जितना जानकारी था बाबा जी ने बता दिया है हाँ दाऊ तो हम इनके लिए दान स्वरूप में हमारे पास ओनली 20 रुपया बचा हुआ है अभी ओनली मतलब बस ऑनलाइन पेमेंट है तो हम इनको ऑनलाइन पेमेंट तो नहीं दे सकते तो 20 रुपया दान करके जा रहे हैं तो जब भी आइएगा तो बाबा जी यहाँ पे बैठे रहते जानकारी लेना जानकारी लेना तो पूछ सकते हैं आप जानकारी बाबा जी तो मिलते हैं फिर से आएंगे बाद में वो इनके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आएंगे अभी तो फिलहाल कुछ वैसे रखे नहीं है तो बाबा जी खुश रहो बेटा खुश रहो बाल बच्चा अगले बार हाँ बिल्कुल आइए बेटा हाँ आएंगे बाद मेरे को तो मोबाइल में टीवी में सब देखते रहते हैं ठीक है अब आप लेंगे अभी डाल देंगे दुनिया देखेगा मेरे को इसीलिए बच्चा चलिए ठीक है बाबा जी प्रणाम मिलते हैं खुश रहो बेटा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए हमारे पास जो है मतलब दिखा दिए हैं बाबा जी ने बता दिया है पूरा ये देख सकते हो टिंटिनी पत्थर और लोकेशन यहाँ पे कहाँ है रे ये आपके दरिमा से आगे जाके जो स्कूल जो है ग्राउंड है स्कूल है वहाँ ग्राउंड है वहाँ से थोड़ा सा कट के आना पड़ता है थोड़ा सा कम से कम 2-3 किलोमीटर है 2-3 किलोमीटर है 3 किलोमीटर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक तो दिखेगा आपको मंदिर दिखेगा राइट साइड में आपका टिंटिनी पत्थर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।